गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। सो दोस्तों, एज ऑलवेज 9 बजे होंगे, 9 से थोड़ा ज्यादा हो गया होगा हिंदुस्तान में और जो भी लोग सुन रहे होंगे। सो आपका दोस्त हाजिर है आज मंडे के इस टॉपिक के साथ। और दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है और आज का टॉपिक है वैल्यू वर्सेस कॉस्ट। थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं। क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 25 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान छोड़े हुए। 94 में मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था और उसके बाद हर एक या दो साल में हिंदुस्तान जाता हूं। और उन 25 सालों में लगभग मैंने 20 साल वेस्टर्न वर्ल्ड में बिताए हैं, वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। तो जो कुछ यहां से सीखा और जो कुछ हिंदुस्तान से सीखा और कुछ कंपैरिजन किया लाइफस्टाइल में, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके हो, तो वो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम यूं कहें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें मैंने देखा है, देखो दो तरह की सोचें होती हैं यहां पे हम लोगों के बीच में। एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, लेकिन जो हम जनरलाइज करें तो दो तरह की सोचें होती हैं। एक तो सोच होती है वैल्यू बेस्ड और एक होती है कॉस्ट बेस्ड। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की फिलॉसफी है उसमें मैंने देखा कि लोगों की सोच थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड ज्यादा होती है। दे मोर केयर अबाउट वैल्यू, नॉट मच अबाउट द कॉस्ट। और जो ईस्टर्न वर्ल्ड हमने देखा, स्पेशली हिंदुस्तान या जो उन साउथ एशियन जो ईस्टर्न वर्ल्ड से लोग यहां पे आके रहते हैं, तो स्टडी करने के बाद ये लगा कि हमारी थोड़ा ईस्टर्न सोच थोड़ा सा कॉस्ट बेस्ड होती है। मतलब इसका क्या कह रहे भाई, ये चीज कितने की है उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर इंस्टेंस भाई, जिनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे होने के बावजूद भी वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि चलिए सस्ती चीज हम खाने में यूज कर लें या सस्ती चीज पहनने में यूज कर लें, सस्ती चीज ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लें, और उस सस्ते के सस्ते डॉक्टर के पास चले जाएं, तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ बहुत सफर करती है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में बात करूंगा कि ये वैल्यू वर्सेस कॉस्ट बेस्ड माइंडसेट और किस तरीके से हमें डिस्टर्ब करता है, किस तरीके से हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीने से रोकता है। तो दोस्तों, कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड थिंकिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग के नुकसान बहुत हैं। और आज मैं दो नुकसानों पे यहां पे डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपकी थिंकिंग कॉस्ट बेस्ड है तो उससे आपको दो लॉसेस देखने पड़ते हैं अपने लाइफ में। और वो दो चीजें क्या हैं? एक तो आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है और दूसरा होता है कि आपको टाइम के साथ कंप्रोमाइज करना होता है। बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग से। सो लेट्स गो फर्स्ट, यू नो, ये जो मैं बोला कि क्वालिटी से कैसे सफर होता, होता क्या है दोस्तों कि हम आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत होल फूड, बहुत सारे होल फूड के आइटम्स हैं या बहुत सारे फूड्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो हेल्दी फूड है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उसके बाद सोचा, अरे चलो क्या है यार, वही तो रोटी है, क्या फर्क पड़ता है कि हम व्हाइट ब्रेड खाएंगे या हम क्या कहते हैं कि यू नो मल्टीग्रेन ब्रेड खाएंगे, क्या फर्क था, चलो खा लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि हम जब अर्ली एज में होते हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, तब तक क्या होता है कि हमारी बॉडी यंग होती है और हमें उसका फर्क नहीं मालूम चलता। लेकिन दोस्तों, जैसे हम 50, 60, 70s में जाते हैं, देन चलना मुश्किल हो गया, गांठे जवाब दे गई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती। तो होता क्या, जो पैसा हमने बचाया था अपने उस जवानी में या यंग एज में, अब उसका हमें भुगतान करना पड़ रहा है ओल्ड एज में। तो लिविंग 90 ईयर और 100 ईयर डिपेंड करता है किस टाइप की क्वालिटी आपकी लाइफ स्टाइल के है। आप व्हील चेयर पे है या आप कैन लेके वॉक कर रहे हैं, या कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे वेस्टर्न, इन जनरल जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, 70 साल, 80 साल, क्वाइट फिट।
तो वो क्या होते हैं कि उनकी बहुत सारी सेविंग बेस्ड थिंकिंग नहीं होती है, इन अदर वर्ड कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग नहीं होती है कि ये कितने का पड़ेगा। उनको लगता है कि इससे हमारी लाइफ कितना इंप्रूव होगी। एक एग्जांपल दे दूं, मैं कनाडा में रहता हूं, अमेरिका में भी रहा हूं, यूरोप में भी रहा हूं, बहुत सारे हमारे गोरे दोस्त भी हैं, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त भी हैं, पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, लेकिन क्या होता है कि गोरों का मैंने देखा है कि उनको एक साल में वेकेशन जाना ही जाना है, दैट माइट कॉस्ट 10 to 15,000 एवरेज, दैट इज यू नो 15,000 डॉलर का मतलब हो गया 15, 96, 99, 10 लाख इंडिया रुपीस हर साल उनको वेकेशन में खर्चा करना ही करना होता है। लेकिन हम अपने लोगों को कभी कभी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, हम सबकी बात नहीं करते हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, कि कनाडा अमेरिका जैसे देशों में रह करके 7-7, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल हिंदुस्तान ही नहीं जाते, फॉरगेट अबाउट अदर प्लेसेस, कि अब घर ले लिया उसकी मॉर्गेज। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ अपने लाइफ स्टाइल को बहुत सफर करते हैं, अरे हम वो चीज क्यों ले, वो पैसा हम किसी और चीज में लगा देंगे। तो उससे क्या होती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोस्तों बहुत सफर होती है, बहुत ज्यादा सफर करती है। या कोई फ्लाइट है, हम फ्लाइट बुक करेंगे तो वहां भी क्या हो गया कि हमारी वैल्यू बेस वर्सेस कॉस्ट बेस, अरे फ्लाइट भाई क्या होगा कि थोड़ा लेट ही जाएगी, या एक दो नहीं तीन जगह रुक करके जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट जो हमें सबसे कम मिलेगी हम उस फ्लाइट से जाएंगे। तो उससे क्या होता है, कभी कभी हम टाइम की वैल्यू नहीं करते, कम सस्ती फ्लाइट के चक्कर में उस फ्लाइट की सर्विस अच्छी नहीं है, एक दो तीन जगह रुक के जाती है, हो सकता है आपका सामान लूज हो जाता है, या बहुत सारी और सर्विस या खाने की, तो वी डोंट इंजॉय, वी कॉम्प्रोमाइज विद योर लाइफ। सो दोस्तों ये मैं कहना चाह रहा था, जैसा आज का टॉपिक है दैट वैल्यू वर्सेस कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग, तो अगर आप जब कॉस्ट पे ही आप डिसीजन लेते हैं तो आपको आपकी क्वालिटी और आपको टाइम से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्वालिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपके यू नो पुअर क्वालिटी की वजह से आपका हेल्थ सफर होता है, पुअर क्वालिटी की वजह से आपका यू नो फैमिली लाइफ सफर होती है, और पुअर क्वालिटी की वजह से लॉन्ग टर्म के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दोस्तों। सो ये रहा क्वालिटी को लेके। अब आते हैं टाइम को लेके, कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस कि आप किसी जॉब में हैं और आप अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर हम ये दो टूल्स हैं उनको अगर मैं सीख लूं तो हम और अच्छी सैलरी पे जा सकते हैं, दूसरी जगह पे हम जंप कर सकते हैं। अब ये जो दो टूल सीखने हैं इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम सीख लेते हैं कि फ्री में, क्या करेंगे हम गूगल में जाएंगे और वो टूल फ्री में सीखने की कोशिश करेंगे, या यूट्यूब में जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग। तो क्या होगा, वही दो टूल हम अगर पैसा देके lynda.com या udemy.com और कोई तुम्हारा फ्रेंड है उसको आप पैसे दे करके अगर उससे हम सीखते तो हो सकता वो दो टूल हम एक हफ्ते में सीख सकते थे, और बहुत ही जेन्युइन सोर्स के थ्रू, और जल्दी और एफिशिएंटली उसको हम सीख सकते थे, और हो सकता तुरंत हमको 15 दिन में जॉब भी मिल जाती। लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे छोड़ो, कौन $1,000 देगा, या कौन 5,000 रुपए या 10,000 रुपए देगा सीखने के लिए, चलिए हम गूगल से यूट्यूब में सब तो फ्री पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो अनरिलायबल रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद वही चीज जो आप एक हफ्ते में सीख सकते थे दोस्तों उसमें 2 महीने लग जाते हैं। अब क्या हुआ कि 2 महीने में हो सकता 15 दिन के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है, तो वो पैसा हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद भी हो सकता है उस तरह से एफिशिएंटली आप ना सीख सके। तो इससे क्या हुआ कि टाइम बहुत आपका वेस्ट हुआ, क्या, क्योंकि आप कॉस्ट बेस्ड आपके थिंकिंग, तो वैल्यू बेस्ड अगर थिंकिंग होती तो आप क्या करते, सीधे अपना पैसा लगाते, 15 दिन में एक हफ्ते में कोर्स करते, दूसरे हफ्ते आप सीरियसली अप्लाई करना शुरू करते और 2 हफ्ते में आप जॉब स्विच कर लेते। तो दोस्तों ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड का है, अगेन डोंट पुट मी, अरे हम ईस्टर्न वर्ल्ड को नीचे करने की कोशिश कर रहे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये हम जिस टाइप के दोस्तों से अपने मिलते हैं सर्किल में ऐसा देखते हैं। तो आप क्या करें कि अगर आप अपनी कॉस्ट बेस्ड थिंकिंग को हटा के अगर वैल्यू बेस्ड थिंकिंग करें तो उससे बहुत बहुत सारे आपको एडवांटेज लाइफ में लॉन्ग रन में मिलेंगे। और दूसरी बात क्या होती है, फॉर इंस्टेंस अगर आप कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें चीज सीखनी होती है तो बोलेंगे ठीक है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर कंपनी में हमें फ्री में भेजेगी सीखने के लिए तो मैं सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखूंगा। उससे क्या होता है कि यू फाइंड स्टक योरसेल्फ इन द सेम कंपनी और सेम प्रोफेशन और सेम काइंड ऑफ द टाइटल फॉर द लॉन्ग टाइम, बिकॉज यू हैवंट यू नो स्पेंड योर ओन टाइम, अपना पैसा आपको खर्चा करने में डर लगा क्योंकि आपकी थिंकिंग कॉस्ट बेस्ड थी, अरे कितना पैसा लगेगा मैं क्यों लगाऊं, कंपनी लगाए तो लगाए। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी खुद की वैल्यू को डाउन करते,
सकते हो या उसका एडवांटेज दोस्तों नहीं ले पाते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्या हुआ कि मैं पढ़ाता था अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सो मेनी कॉलेज यहीं पे टोरंटो में, आईटी प्रोग्राम पढ़ाता था, ओरेकल के प्रोडक्ट लाइक ओरेकल डेवलपर और डीबीए ये कोर्सेज में पढ़ाता था अर्ली 2000 में यहाँ पे। तो एक दोस्त था, उसने मेरा कोर्स किया और अब वो चाहता था मेरी हेल्प, मैंने उसकी हेल्प की, इंटरव्यू में उसकी हेल्प की, उसको इंटरव्यू देने मुश्किल थे, मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया, सब तरीका हुआ, हो गया, उसका अच्छी जॉब मिल गई, न्यूयॉर्क चला गया उसके बाद, और यू नो जाके जॉब करने लगा, और उसके बाद से वो दोस्त था सॉरी न्यू जर्सी में था हाँ, और उसके बाद वहां से अब फोन करता था कि राकेश इंटरव्यू तो क्लियर हो गया लेकिन अब जॉब करने में मुश्किल हो रही है, तो हम कहा ठीक है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन उसको मैंने बोला कि जब भी तुम कॉल करोगे मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी कमांड पूछने के लिए, तो क्या होगा कि मैं पैसे चार्ज करूंगा, मैं $50 तुमसे हर कॉल के चार्ज करूंगा, मैंने उसको एक मतलब बोल दिया सीरियसली। और वो जो दोस्त अराउंड 2-2.5 साल काम करने के बाद जब वापस कनाडा आया, तो उन 2-2.5 सालों में एटलीस्ट यू नो कपल ऑफ थाउजेंड यू नो डॉलर उसने मेरे को दिए उस सारी कॉल्स के। जब लौट के आया फिर उसने यहाँ पे अपना घर खरीदा, फिर मैंने क्या किया जब उसने हाउस वार्मिंग में बुलाया तो जितना पैसा उसने दिया था उसके मैं ब्रिक के एक वो क्या कहते हैं जो गिफ्ट सर्टिफिकेट उसी पैसे खरीद के उसको मैंने गिफ्ट कर दिया। उसको रियलाइज हुआ तो उसने बोला कि राकेश मतलब ही केम एंड यू नो ही वाज फीलिंग वेरी सैड कि आई फेल्ट सो बैड अबाउट यू बिकॉज यू यूज टू चार्ज, आप पैसा लेते थे हर कॉल का। तो हमने उसको बोला दोस्त अगर मैं वो आपसे पैसे नहीं लेता तो क्या होता कि आप ना तो मेरे टाइम की वैल्यू समझते ना आप अपने टाइम की वैल्यू समझते। अभी क्या हुआ चूंकि आपको पैसे पे करने हैं उस कॉल के तो पहले आप पूरी कोशिश करोगे कि खुद लर्न करो, तो उससे क्या होगा दो फायदे होंगे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और दूसरा मेरा भी टाइम बचेगा। तो दोस्तों एक मैं एक एग्जाम्पल दिया कि टाइम का, सो बी रूथलेस विद योर टाइम। दोस्तों पैसा खर्चा होता है तो होने दो बल्कि टाइम अपना बचाओ। तो ये होता है कि अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, पैसे के बचाने के चक्कर में टाइम जाता रहता है एंड बाय टाइम यू रियलाइज सम टाइम इट्स बिकम अ टू लेट। तो ये होता है दोस्तों टाइम का। तो एक एग्जांपल हमने दिया कि अपने दोस्त का जिसको कि मैंने हेल्प की, उसके पैसे चार्ज किए, बाद उसको पैसे वापस कर दिए लेकिन उसको टाइम उसको बचाया, उससे उसकी लर्निंग भी फास्ट हुई और दोनों का टाइम बचा। तो ये दोस्तों होता है कि इफ यू आर रूथलेस विद योर टाइम, इससे उसके बहुत फायदे होते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखो लाइफ में कि जहां भी अगर आपको बहुत ऊपर जाना, अगर आपने बहुत पैसे खर्चा नहीं किए कोई चीज सीखने के लिए तो क्या होता है कि यू टेक वेरी इजी। हमारे किसी कोच ने, हमारे एक वर्चुअल कोच थे, तो उन्होंने उनके कहे हुए वाक्य आज भी मुझे बहुत याद है, इंग्लिश में मैं बोलूंगा। उन्होंने बोला था कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर टीच फॉर फ्री, एंड इफ यू want to learn something seriously never learn for free. So if you want to learn something seriously never learn for free, iska main example aapko diya ki aap YouTube mein jaoge, Google mein jaoge, nothing wrong in it, lekin aap seriously kuch learn karna chahte ho, better to learn from the paid resources, jo paise se koi course karke ya koi aapko padha sake, usse aapka time bachega, learning ki quality achhi hogi, aur aap jab paisa de karke seekhoge to aap bahut seriously seekhoge aur wo cheez aapko upar bahut leke jayegi. To dosto ye mera apna khud ka experience tha, और दोस्तों के साथ मिलता हूं वो 50 रुपए का डिनर जाके खा लेंगे लेकिन 20 रुपए की किताब, कुछ लोगों तो खैर आदत ही नहीं है किताब पढ़ने की, लेकिन जिनको आदत भी होती है वो सोचते हैं चलिए लाइब्रेरी से या फ्री में मिल जाए तो ठीक है मैं क्यों खरीदूं। तो दोस्तों पहली बात, अगर किताब पढ़ने की आप आदत डाल दें, ओ दैट विल बी द लाइफ चेंजिंग, क्योंकि आज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों जिसपे की बुक नहीं लिखी गई है। तो आप बुक लेकर के आए, उसको पढ़ें, उस पर नोट्स बनाएं, उससे हर चैप्टर से एक चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और आपकी लर्निंग और अर्निंग इतना फास्ट जाए कि आप याद रखोगे। दोस्तों ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, आज ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर किताबें सुनने या पढ़ने के बाद जो नॉलेज का इजाफा मेरी जिंदगी में हुआ और उससे जो फायदा हुआ, आज उसी की बदौलत बहुत सारी चीजें मिली। और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कोई भी अच्छी किताबें हैं जो पुरानी क्लासिकल किताबें हैं, यूट्यूब में जाएं, आप फ्री में सुन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लेक्चर हो गया, अगेन मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में किसी जगह पे भी हो, लेकिन थोड़ा कॉस्ट बेस हर चीज को ये मत सोचो अरे ये कितने की है, आप पहले ये सोचो कि ये क्या वैल्यू देके जाएगी, कैसा हमारा इंपैक्ट हमारी जिंदगी में दोस्तों पड़ेगा,
उस पे आप फोकस करें और कॉस्ट पे हमेशा फोकस ना करें. क्या कहते हैं इन अदर वर्ड की सेविंग्स में बहुत ज्यादा फोकस ना करें. आप 30-35 साल की उम्र तक क्या करें कि ट्राई टू ब्रिंग मोर वेज टू मेक मनी रादर सेविंग. सेविंग पे फोकस करोगे तो क्या होगा, अगर आप में कोई बुरी आदतें नहीं है कि आप गैम्बलिंग में नहीं हो, अल्कोहल में नहीं हो और यू नो क्या कहते हैं कि इन चीजों पर नहीं हो, तो पैसा कहाँ वेस्ट हो. कोई गंदी आदतें आप में नहीं है तो पैसा कहां वेस्ट होगा, तब आप पैसा कहां बचाओगे. आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करोगे, चाहे खाने में, चाहे रहने में, चाहे पहनने में, चाहे वेकेशन में. यू डिजर्व, पूरा अधिकार है आपको लाइफ को एंजॉय करने का. सो दोस्तों, स्पेशली 30-35 साल की उम्र तक आप क्या करें कि लर्न करें, उस पैसे को अपने में इन्वेस्ट करें जिससे कि आपकी स्किल्स अच्छी हो और उससे आपकी बहुत सारे तरीके की अर्निंग रिसोर्स बनाए. अगर आप फुल टाइम जॉब में है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में, लेकिन आज की डेट पे एटलीस्ट वन रिसोर्स जरूर आप ऐसा बनाए जो कि ऑनलाइन एज ए पैसिव इनकम थ्रू द ऑनलाइन आए, तो उसकी क्या है कि स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और कुछ भी हो सकता है. जैसे मेरा पिछले वीक का टॉपिक था कि कुछ ऐसा जरूर करें कि उसमें कोई स्केलेबिलिटी की लिमिट ना हो, तो कोई एक ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे कि आपका एक सोर्स बढ़े. तो जैसा मैंने बताया कि 35 साल की उम्र तक क्या करें कि आप बहुत सारे पैसे कमाने के तरीकों पर फोकस करें, ना कि सेविंग पे, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा दोस्तों. तो लास्ट में मैं इसके पहले तीन चीजें मैं आपको और बताऊं कि कैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, वो तीन चीजें बताने से पहले एक मैं क्विक शाउट आउट करना चाहूंगा अपने दोस्तों को जो हमसे जुड़े हैं. और डॉक्टर जगमोहन सिंघा जी, थैंक यू वेरी मच. डेबी क्लार्क, थैंक यू वेरी मच. डेबी, आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इंग्लिश जो है स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, स्पेशली इंडिया. एंड जैम मोहम्मद इस्माइल जी, थैंक यू वेरी मच, आप पिछली बार भी थे. एंड मुकुल देसाई साहब, थैंक यू वेरी मच. कपिल केशवानी साहब, थैंक यू. आलिया सिंह, थैंक यू बेटा. सिद्धार्थ चौहान, थैंक यू. सिद्धार्थ सेठ फ्रॉम रायबरेली, माय लवली होम सिटी. शशि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. एंड पूरी संजय जी, आप पिछली बार भी थे. पॉल सिटी साहब, थैंक यू वेरी मच. प्रवीण पटेल भाई, थैंक यू वेरी मच. और क्या कहते हैं कि उसके बाद से रमन कांत शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच. जम्मू वाले मनोज भाई, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. दोस्तों, जो तीन चीजें मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, फ्री में, कि आप अपने आप की वैल्यू को फ्री में कैसे बढ़ाएं. तो दोस्तों, जितना भी पैसा आप कमाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, ये इतना सटीक फार्मूला है, हमारे वर्चुअल गुरु जिमरॉन के थ्रू मैं पहली बार सुना था बहुत साल पहले और अप्लाई किया और उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिला. दोस्तों, जितनी भी आपकी नेट कमाई होती है, फॉर इंस्टेंस अगर आप इंडिया में हैं और आपको 20 लाख रुपए साल के मिलते हैं और टैक्स निकाल के 15 लाख आपके साल के पड़ते हैं, जिसमें कि 1.25 लाख रुपए महीने का मिलता है, तो मान लिया चलो 1 लाख रुपए आपको महीने में मिलता है, तो 1 लाख का होता है 5%, 5,000. तो क्या कहना चाह रहा हूं कि 5% अपना जो नेट टेक होम आपकी सैलरी होती है, उसका 5% अपने ऊपर, अपने को इंप्रूव करने के लिए खर्चा करें. वो 5% इंप्रूव करने के लिए, वो खाने में नहीं दोस्तों, कपड़ों में नहीं दोस्तों, आपके गैस या पेट्रोल या डीजल के बिल में नहीं दोस्तों, वो बुक्स में, कोर्सेज में, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, अपना मेंटर हायर करने में और अपना कोच हायर करने में, इन चीजों में लगाएं दोस्तों. आप इतना ऊपर जाओगे कि आप मुझे थैंक यू करोगे. जैसा कि इकबाल साहब ने बहुत पहले लिख दिया एक उर्दू की उन 4 लाइनों में, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बोल तेरी रजा क्या है. दोस्तों, तो क्या है कि कर खुदी को बुलंद इतना, तो 5% अपने ऊपर खर्चा करके अपने आप को आप इतना बुलंद करें जिससे कि आपको कोई भी प्रमोशन मिलने में, ज्यादा पैसा कमाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी दोस्तों. जस्ट 5%, उन 5% जो भी फील्ड आपका है, कोशिश करें उस फील्ड में जितनी अच्छी से अच्छी बुक्स हैं या उस फील्ड का जो सबसे टॉप आदमी जिसको आप जानते हो, यू कैन अप्रोच दैट पर्सन, कॉल हिम फॉर डिनर, फॉर लंच, और बाय हिज और हर टाइम, सर और मैडम आई वांट टू बाय योर 1 आवर टाइम. कितना, 10,000, 20,000, 5,000, कितने लोग हैं जिनसे आप अप्रोच करेंगे, उनको ईमेल लिखेंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी कि किसी ने उनको अप्रोच किया उनसे लर्न करने के लिए. दोस्तों, बहुत बड़ा दिल हो जाता है लोगों का जब आप उनसे सिंसियरली सीखने के लिए कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करते हो. तो जस्ट आस्क.
तो दैट इज आउट ऑफ थ्री, वो एक चीज मैंने बताई कि 5% आप अपनी नेट इनकम का आप अपने ऊपर खर्चा करें दोस्तों। दूसरी चीज मैं क्या बताऊंगा कि जो है वो क्या है कि उन तीन चीजों में, तो एक तो था कि 5% आप अपने ऊपर खर्चा करें, और जो दूसरी चीज है वो आप क्या करें कि जिस भी फील्ड में आप हैं, आप आईटी में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सेल्स में, तो पता करें कि उस फील्ड के कोई ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या वो आपके शहर में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, या आपके दूसरे शहर में हो सकते हैं, और आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के माहौल में, और सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन, लिंक्डइन में जाके ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उनसे आप अगर कॉन्टेक्ट करें कि सर आई वॉन्ट सम ऑफ योर हेल्प, और उसके बाद देखिए कि वो आपको कितना ज्यादा खुशी से नॉलेज शेयर करेंगे। एक तो नॉलेज शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे बहुत खुशी खुशी, और दूसरी बात क्या होगी कि जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का कैरियर स्पैन था, यू नो कितने बड़े बड़े लोगों से कैसे कैसे उनके ताल्लुकात होंगे, कैसा कैसा उनको नेटवर्क होगा, और वो आदमी या वो औरत, वो जेंटलमैन और लेडी, इतनी खुशी उनको होगी, हो सकता है आपको किसी नेटवर्क से कनेक्ट करा दें, या तो क्या कहना चाहता हूं कि जो रिटायरमेंट के लोग हैं उनसे जाके मैंने कि सर आई वांट टू लर्न दिस सेल्स टेक्निक फ्रॉम यू, आर दिस मार्केटिंग टेक्निक फॉर यू, आर दिस पर्टिकुलर हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत सारे बिजनेस करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हो, सर आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कैन यू हेल्प मी। हेल्प भी नहीं करेंगे, आपको ऐसा बताएंगे अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू कि आपको कहां से क्रेडिट मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा भंडार होता है हमारे रिटायरी लोगों का, या बहुत सारे अगर आप एजुकेशनल फील्ड में, इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेसर और टीचर, और इवन इफ यू आर स्टूडेंट, कि आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, गो एंड मीट देम, यू नो वेल्थ ऑफ नॉलेज दे कैरी विद देम, कि उनसे सर आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। तो ये चीजें दोस्तों आप कर सकते हैं, दैट इज दूसरी चीज। तो पहली चीज अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कि 5% अपनी नेट अर्निंग का अपने ऊपर खर्चा करें, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस का एक आप लमसम अमाउंट आप ले लें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और वो अपने ऊपर खर्चा करें। बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है तो आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, बोनस देने से अच्छा है कि उनको, चाहे वो इन हाउस आप मेडिटेशन हो, योगा हो, जिम हो, कोई उन चीजों पे, और कर दें कि जो 10 किलो या 10 पाउंड वेट लूज कर लेगा एक महीने में, 6 महीने में, उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। दोस्तों हमेशा मैं बोलूंगा अपनी बनाई हुई वो दो लाइनें कि जीते जी तो लोग मर मर के भी जी लेते हैं, कर जाओ कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी जिंदा रहो। तो आप एम्प्लॉइज के लिए कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो, यू नो। तो दोस्तों आउट ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजें, दो चीजें मैंने आपको बता दी कि 5% अपने ऊपर खर्चा करो, और दूसरी चीज आपको बताई कि जाके जो रिटायरी लोग हैं उनसे जाके मिलो, और उनके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज नेटवर्क होता है। और जो थर्ड थिंग है दोस्तों कि आप एक 5 अपने क्वालिटी के दोस्त बनाएं, जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में जो लोग टॉप में हैं, जहां आप जाना चाहते हो, या जो आपसे ऊपर हैं, या जो जिनकी जिनको आप एडमायर करते हो, उनको आप एज ए दोस्त बनाना सीखो। हैव 5, वो आप अपने 5 फ्रेंड्स रखो जिनको कि आप एडमायर करते हो। वो दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके साथ डेली चाय पीने वाले हों, वीकली चाय पीने वाले हों, मंथली चाय पीने या डिनर लंच वाले हों, या वो वर्चुअल हो सकते हैं कि वो कोई दोस्त आपका बन गया लिंक्डइन के थ्रू और वो अमेरिका में बैठा है, या वो लखनऊ में बैठा है, या रायबरेली में बैठा है, या बॉम्बे में बैठा है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे दोस्त बनाएं और कोशिश करें कि उन दोस्तों को कुछ आप देने की कोशिश करें। जब मैं बात करता हूं देने की, तो केवल पैसे रुपए से नहीं, उनको आप कोई सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जिसका वो बिजनेस है उनको आप कोई रेफरल क्लाइंट दिखा सकते हैं, या कोई आपको लगे कोई बिजनेस ऑफ एरिया उनकी इंप्रूव करने के लिए आपके पास स्किल है तो उनको। तो जब आप गिविंग पोजिशन पे होंगे, कुछ आपको आप देने के लिए तैयार होंगे, तो दोस्तों को लगेगा अरे इससे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हर आदमी की आदत होती है बदले में वो आपको भी देना चाहेगा। तो दोस्तों अगर केवल 3 चीजें अपनी जिंदगी में आपने उतार ली, एक तो 5% अपनी नेट अर्निंग का अपने ऊपर खर्चा करें अपने को इंप्रूव करने के लिए, और दूसरा एक क्या कहते हैं कि रिटायर लोगों से मिलना शुरू करें, उनसे सीखने को शुरू करें, और तीसरा है कि एक 5 अपने अच्छे दोस्त बना लें, केवल 3 चीजें आप
अपने ऊपर कर लें, बहुत ऊपर ही लेके जाएंगी। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, वो दो चीजें, कौन सी दो चीजें, कि कास्ट बेस्ड थिंकिंग को स्लोली स्लोली दूर करें और वैल्यू बेस्ड थिंकिंग को अपनाएं। ऑफ कोर्स जिनके पास पैसा नहीं है वो बोलेंगे अरे हमारे पास तो खाने को नहीं है, हम कहां से करें। लेकिन चांसेस आर देयर कि जो लोग हम मेरे को सुन रहे हैं, आप सेल फोन अफोर्ड कर सकते हो, आप इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सकते हो, इसका मतलब आप इतना भी नहीं है कि आप वैल्यू पे फोकस ना करें दोस्तों। और कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो फील फ्री टू कमेंट, मुझे बहुत खुशी होगी। या कोई और टॉपिक इस पे डालना चाहें तो दोस्तों बहुत खुशी होती है, पूरे हफ्ते सोचता रहता हूँ कि 9 बजेंगे हिंदुस्तान में और मैं अपने हिंदुस्तान, अपने देशवासियों से कनाडा में 12,000 किलोमीटर दूर, अपने टोरंटो से, अपने दोस्तों से, घर वालों से, कॉलेज वालों से, देशवासियों से मैं बात करूंगा और अपने लाइफ के स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे कितना लोग सोचते हैं भाग रहे हैं, न्यूजीलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूरोप जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू बेस्ड थिंकिंग, आपने कभी देखा है कि यहाँ पे सारी दवाइयां या जितने भी इन्वेंशन इन्हीं मुल्कों में क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजों पे बिलियन अरबों डॉलर लगा दिए जाते हैं, 10-10 साल तक रिसर्च होती है, तब जाके कहीं एक चीज इन्वेंट होती है और उसके बाद उसकी पूरे दुनिया में उसको बेचते हैं। तो क्या क्या उन्होंने पैसा लगाया वैल्यू के, कि अगर ये इतना पैसा लगा कर रिसर्च करके अगर इसका हल निकल गया तो उन्होंने वैल्यू पे फोकस किया था। हमारे मुल्कों में क्या होता है, अरे भाई इतना पैसा क्यों लगाना, यू नो। तो ये चीजें होती हैं। अगर एक मैं और, बहुत लंबा समय हो रहा है लेकिन एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा ये वैल्यू का और कॉस्ट का, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। और बहुत यू नो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, एक शाउट आउट देना चाहूंगा। और मनोज द्विवेदी के बाद मेरा भाई अमित मिश्रा, थैंक यू अमित फॉर ज्वाइनिंग। धर्मा जैन जी, थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र बाबू हमारे यूएसए, हमारे इलाहाबादी दोस्त फ्रॉम IIT BHU, एंड नजीब हसन साहब एंड नर्सिंग विदर, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों इस वैल्यू बेस का। क्या हुआ कि बात है लेट एटीज की बात है, और क्या हुआ कि हमारे एक सैम पेत्रोदा साहब हैं, यूएस में थे अपनी फैमिली के साथ, गुजराती हैं, तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी हिंदुस्तान में। तो ये क्या हुआ कि उन दिनों में क्या होता था दोस्तों कि यू नो मिड एटीज या लेट एटीज में क्या होता था, अगर आपको घर में टेलीफोन का कनेक्शन हिंदुस्तान में चाहिए तो आपको सालों लग जाते थे, किसी मिनिस्टर का सोर्स हो, सिफारस हो, ये हुआ। और ये सैम पेत्रोदा ये देख देख करके इतना, ये तो ये टेलीकॉम के बंदे थे, तो ये सैम पेत्रोदा गए और किसी तरीके से इनकी मुलाकात राजीव गांधी से कराई गई। राजीव गांधी को उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया कि सर आई वांट टू ब्रिंग सम चेंज टू इंडिया इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्पेशली इन द टेलीफोन एंड इन दैट एरिया। तो राजीव गांधी ने पूरा प्रोजेक्ट समझा, उनको समझ में आया तो बोले कि ठीक है कितना पैसा चाहिए, तो एक अमाउंट तय हुआ। उसके बाद एक सी डॉट का फॉर्मेशन हुआ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी डॉट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट। तो उसका ऑफिस, अगर दिल्ली में जो लोग रहते हैं तो पूसा रोड पे वो ग्लॉसी जो बिल्डिंग है करमपुरा कॉम्प्लेक्स के पास में, सॉरी राजेंद्र नगर भैया, तो वहां पे वो बिल्डिंग थी, मैं भी इंटरव्यू के लिए गया था और मेरा एक दोस्त था विवेक शर्मा, उसने काम भी किया है वहां पे। तो क्या हुआ कि वहां से वो डेवलप, मतलब सी डॉट का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद वो 1,10,000 उतने लाइन के फिर एक्सचेंजेस बनाए गए। दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि गांव गांव में वो, अगर आपको याद हो वो थर्मोकोल के मटेरियल के जो जिसमें STD लिखा होता था, व्हाइट कलर होते थे, अंदर बल्ब होता था, तो वो दोस्तों सैम पेत्रोदा की देन थी। उसकी वजह से फिर टेलीफोन मिलना, कनेक्शन लगना पूरे हिंदुस्तान में कितना आसान हो गया था। तो उस बंदे ने वैल्यू पे फोकस होते हुए कि, और राजीव गांधी का सपोर्ट मिला, तो राजीव गांधी ने वैल्यू पे फोकस किया ना कि कॉस्ट पे, और उतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक एग्जांपल देना चाहूंगा और दैट हैज टर्न अराउंड इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री सैम पेत्रोदा की वजह से। आज भी वो हैं, टोरंटो में भी आते हैं, गुजराती हैं, बहुत सारे गुजराती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें एक दो बार उससे मिला भी हूं, तो आई सल्यूट सैम पेत्रोदा। फिर मेरा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन किसी से नहीं, लेकिन फिर बीपी सिंह की सरकार आई और उसमें बीपी सिंह ने सपोर्ट शायद सैम पेत्रोदा को नहीं किया, कहीं उन्होंने बोला हुआ है, सो डोंट कोट ऑन मी, लेकिन बहुत ज्यादा फिर नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद तो फिर बीजेपी आई और बहुत सारा फिर यू नो इमर्जिंग इंडिया और यू नो बहुत सारा लिबरल
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आई, बहुत सारे लुसेंट सो मेनी, उसके बाद तो सब बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन किसी को तो इनिशिएटिव लेना होता है। तो दोस्तों तो बड़ी बड़ी बातें किया फोन की संप्रतोदा की, राजीव गांधी की, लेकिन आप अपने लेवल पे आप खुद की संप्रतोदा बनो, खुद के राजीव गांधी बनो और अपने आप को वैल्यू पे फोकस करो दोस्तों, कॉस्ट पे नहीं। स्पेशली जो हमारा यंग इंडिया है या जो हमारा ग्लोबल यूथ है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन चीजों पे देखो कि किस चीज की जरूरत है। उसको सीखने के लिए अगर आपको लोन भी लेना पड़े, लोन घर के लिए लोग लेते हैं, लोन कार के लिए लोग लेते हैं, लोन बिजनेस के लिए लेते हैं, कभी अपने आप को पढ़ने के लिए लोन लो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बात नहीं करता हूं, लोन लो कोई टूल सीखने के लिए, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते अरे भाई बॉम्बे का, दिल्ली का, पुणे का, बेंगलोर का, वहां का तो लिविंग स्टैंडर्ड ही इतना हाई है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो उससे लोग क्या करते हैं कि दे कंप्रोमाइज एंड स्टार्ट लिविंग ओनली स्मॉलर सिटीज। तो उससे क्या होता है स्मॉल सिटीज में, ये नहीं सोचते कि स्मॉल सिटीज में सैलरी भी उतना ज्यादा नहीं होती, और फिर क्या होता है बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजों को सीखने से वो महरूम रह जाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो अगर बड़ी सिटी में रहोगे तो हो सकता है आपको देश से बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिले, मिडल ईस्ट की हैं, अफ्रीका की हैं, अमेरिका की हैं, कनाडा की हैं, यूरोप की हैं। जितनी बड़ी सिटी में जाओगे उतने बड़े कंपनीज में होगे, उतने बड़े आप प्रोजेक्ट हैंडल करोगे और उससे उतनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, अर्निंग आपकी बढ़ेगी। क्या होगा कि अगर एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप इंडिया में रायबरेली में काम कर रहे हो तो वहां की एक लिमिट है, लखनऊ में काम करते हो वहां की अलग लिमिट है, बॉम्बे में काम कर रहे हो वहां की अलग लिमिट है, उसके बाद जब देश छोड़ दो, कितने लोग होते हैं जो अपने बड़े बड़े जो घराने के लोग होते हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो डालमिया हो, चाहे बिरला हो, उनके बच्चे अमेरिका ही एमबीए करने को जाते हैं। कि दोस्तों क्या होता है कि जब अमेरिका एमबीए करने जाते हैं तो ज्यादातर चीजें जो हम बुक्स में हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जो एमबीए के कोर्सेज में, वो अमेरिका में केवल बुक्स में नहीं होती, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उनको देखने को मिलते हैं। और वो बच्चे जब लौट के आते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और बड़ी बड़ी कंपनीज को वो लीड करते हैं। लेकिन छोटे मोटे कॉलेजेस में जब पढ़ लेते हैं एमबीए में तो वो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, तो क्या है कि आप छोटी मोटी जॉब्स को रह करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो यही अगर आप रायबरेली में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कंपनी में काम करके जितना एक्सपोजर है, कम सैलरी है, लेकिन आप खुश हैं, ठीक है। लेकिन आप वही बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर में जाएंगे तो बड़े इन्वायरमेंट में काम करेंगे और वहां पे अगर वहां से अगर लौट के आप रायबरेली में भी आना चाहेंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा, फिर आप जॉब नहीं, फिर आप सोचेंगे मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। तो क्या होता है कि आपका सोचने का नजरिया बहुत बड़ा और विशाल हो जाता है। दोस्तों मैं तो क्या है ना कि इमोशनल हो जाता हूँ, मेरा आधे घंटे का लिमिट रहता है, लेकिन कभी कभी मेरा ज्यादा भी हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज का दोस्तों टॉपिक था, टॉपिक क्या था, अगेन आई एम रैपिंग अप, वो टॉपिक था कि कॉस्ट बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड माइंडसेट। सो दोस्तों केवल पैसे पे फोकस मत करो कि एक चीज कितने की है, ये सोचो कि इससे वैल्यू क्या मिलेगी लॉन्ग टर्म की। कभी कभी क्या होता है कि हम तुरंत की अरे हम ये गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम इस शहर में नहीं जाएंगे, हम अपने ऊपर ये कोर्स में नहीं खर्चा करेंगे, तो क्या होगा कि आप वहीं लटके पड़े रहते हो। और एक बार 30-35 की एज हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, वो हुए, उसके बाद चाह करके भी आप उस क्या कहते हैं जेल से निकल नहीं पाते दोस्तों। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी हो फोकस ऑन द वैल्यू नॉट ऑन द कॉस्ट। ऑफकोर्स मजबूरी है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप वैल्यू पे फोकस करोगे तो पैसे बनाने के रास्ते भी आपको मिल जाएंगे कि कहां से पैसा आना चाहिए। सो दोस्तों विजयन के बाद रजीत साहब और नरसिंह अग्रवाल, हमारे विजय सिंह साहब ने भी ज्वाइन किया। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीजें अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो और लोगों को भी अच्छी लगेंगी, और ये आप प्लीज फॉरवर्ड करें इन ऑडियोज को। और मैं इसी पोस्ट पे अपने यूट्यूब का चैनल भी उसकी लिंक अभी डाल दूंगा, और उसमें जाए तो यूट्यूब में सारे हमारे पास्ट की जितने भी अभी शायद ये 7वां सेशन है तो वो सारे एपिसोड पड़े हुए हैं, उसमें आप सुन सकते हैं दोस्तों, और इसको आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक में और यू नो जिस भी चैनल में। और एक अभी स्कूल है पूना में तो उससे बात हो रही थी, तो वो क्या करते हैं कि ये मेरा जो प्रोग्राम आता है अपने सेल फोन पे वो ऑन कर देते हैं और उसके बाद उसको माइक पे लगा देते हैं लाउड स्पीकर में, और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे उसको सुनते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, अच्छा लगा उनको। तो इस तरीके से जबकि ज्यादातर हिंदी सारे समझ भी नहीं सकते, तो मैं स्पेशली अपने यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जो हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप शेयर करें और
और जो टॉपिक आप आज की डेट में आपको सब कुछ मालूम होगा, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे पर्सपेक्टिव और ऐसे एग्जांपल देके बताता हूँ तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे भी कभी किसी ने बताया या बुक से पढ़ा या लाइफ से सीखा दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अगर आप मुझसे खुद बात करना चाहें तो बहुत लोगों को तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप पहुंचने की कोशिश करें और आप www.coachrakesh.com/connect इस लिंक में आप जाएं और यू कैन बुक टाइम विद मी, आई विल कॉल यू एंड टॉक टू यू एज मेनी एज पीपल आई कैन हेल्प एंड आई कैन सपोर्ट एंड आई कैन टॉक। सो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं, आपसे 12,000 किलोमीटर दूर बैठ करके यहां पे टोरंटो में। बहुत अच्छा लगा और सच पूछो दिल जैसे होता है, आज के बाद अब सोचू अरे कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक पे बोलूं, तो अगले संडे का फिर इंतजार रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे संडे रात होती है, आपका मंडे सुबह होता है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से हम लोग पाताल लोक में रहते हैं, अगर देखा जाए तो धरती की दूसरी तरफ, तो आपके यहाँ दिन तो हमारे यहाँ रात होती है। तो या तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं रखता हूँ इस प्रॉमिस के साथ, और यू नो कि मैं आपसे अगले मंडे 9 बजे इंडिया के टाइम पे फिर हम आपसे मिलेंगे, और आप प्लीज कमेंट करें, बताएं अगर कोई और टॉपिक आपको ऐड करना है, और हमारे पुराने जो आपको एपिसोड सुनना है तो आप जा सकते हैं यूट्यूब में, और मैं वहां पे, और यूट्यूब में इसका चैनल का नाम है NRI मोटिवेशन समथिंग, यू नो आई पुट द लिंक, आई डोंट इवन रिमेम्बर, या सो NRI मोटिवेशन टीवी समथिंग, सो सॉरी NRI हिंग्लिश मोटिवेशन टीवी, या सो दैट इज द नेम ऑफ द चैनल NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI हिंग्लिश लाइक हिंदी इंग्लिश हिंग्लिश मोटिवेशन टीवी, सो NRI हिंग्लिश मोटिवेशन टीवी दैट इज द नेम ऑफ द चैनल इन यूट्यूब, यू कैन लिसन ऑल माई प्रीवियस एपिसोड। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन रात भी हो गई है, सोना भी है, और भी जिंदगी में चीजें हैं जो करनी है, तो इतना टाइम आपको दिया, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीबडी, जितने भी 10-15-20 लोग जितने लोग भी आए और मेरे को सुने, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज शेयर एंड प्लीज कमेंट, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, और उस देश ने वहां पैदा हुआ और उस देश ने बहुत कुछ दिया दोस्तों, और इस देश में रहता हूं, इस देश ने भी बहुत कुछ दिया, तो जो होता है वो आपसे शेयर करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग विद मी, बीइंग विद माय जर्नी, और फिर मिलते हैं अगले मंडे को 9 बजे। थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, हैव अ वंडरफुल डे एंड वंडरफुल लाइफ, बाय बाय।